हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू द ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ए एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चों तो न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% परसेंट एफ जो है वो अलाउ कर दी है फॉर स्पेस सेक्टर इन इंडिया राइट अब जो स्पेस है वो एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है राइट स्ट्रेटेजिक सेक्टर का अगर हम बहुत आसान भाषा में मतलब समझना चाहें तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आर दी वन जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी जुड़ी होती है राइट right? तो यह एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है प्लस इसके अंदर 100% परसेंट एफडीआई अगर अभी आई है दैट मींस कि इस सेक्टर का कुछ कुछ फायदा होगा और कुछ कुछ चीजों के लिए हमें केयरफुल जो है वो रहना पड़ेगा एंड 100% परसेंट एफडीआई की अगर हम बात करते हैं तो 100% परसेंट एफडीआई इज नॉट थ्रू ऑटोमेटिक रूट्स फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेस सेक्टर हंड्रेड परसेंट एफ डी आई ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही अप्लाइड है अभी भी देर आर मेनी अदर राइट जहां पे आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी वहां पर एफडी आई हंड्रेड परसेंट एंड डायरेक्ट जिसको ऑटोमेटेड कहते हैं ऑटोमेटेड रूट नहीं अवेलेबल है राइट right? चलिए बच्चे टॉपिक देखते हैं आज का तो न्यूज मैंने ये बोला कि जब अमेंडेड एफडीआई पॉलिसी आई है राइट right? जिसके अंदर हंड्रेड परसेंट एफ डी आई इज अलाउड इन

राइट right? तो ओवरऑल ऑपरेशन में नहीं आती है सो so, वो सारे कॉम्पोनेंट्स है उसके अंदर हर चीज जो है डिवाइडेड है कितने परसेंट किसके अंदर एफ अलाउड है इस नई पॉलिसी के तहत वो हम देखते राइट right? आ जाइए अभी भी जो टॉपिक है वो यही बोल रहे है कि टिल डेट इट इज एडमिटेड परमिटेड टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट सैटेलाइट्स एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट ठीक है, एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट मतलब launch करना वहां पे आपकी सेटेलाइट्लिश होगी और आप ही ऑपरेट इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है राइट तो जरूर इसको एक बार आप डिटेल में देखिएगा कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है ये क्या बोलता है <coughs> Excuse me. तो इससे आपको पता लगेगा

यू विल बी इन कन्फॉर्मिटी विद द गवर्मेंट क्योंकि ये गवर्मेंट की ही पॉलिसी है आप गवर्मेंट का ही एग्जाम देना चाह रहे हो आप गवर्मेंट से यही अर्ज कर रहे हो कि मुझे अपना एजेंट बनाइए मुझे अपने पास बुलाइए अपने अपने अंडर आप जॉब दीजिए आपका ये वाला काम में करूंगा तो उसके लिए आपका गवर्नमेंट के साथ में माइंड सेट अगर अलाइंड हो तो अच्छा रहता है राइट आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से और खासकर इस टाइप की चीज के अंदर जहां पर ज्यादा कोई एम्बिग्यूटी है नहीं है राइट यू मेट डिफर विद द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन अप्रोचेज बट ये स्पेस सेक्टर ऐसी अप्रोच है कि जहां पे सब की करना कैसे वो सबका कॉमन कॉमन सा ही रहेगा ठीक है बच्चे चलते हैं देखते हैं एफ डी आई है क्या एफ डी आई इज अ टाइप ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट ठीक है इन विच एन इन्वेस्टर फ्रॉम वन कंट्री एस्टैब्लिश अ लास्टिंग इंटरेस्ट बच्चे ये कीवर्ड है एफ डी आई और एफ आई आई में मेन जो फर्क है ना वो लास्टिंग इंटरेस्ट का ही होता है बच्चे तो एफडीआई जहां पर लास्टिंग इंटरेस्ट होता है कंपनी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप चीज होती है ये बाकी इसके फर्दर डिविजन तो है ही अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा कि किसको एफडीआई बोलते हैं किसको एफ आई आई बोलते हैं है ना और क्या क्या तरीके होते हैं एफडीआई के तो ये सब आप डिटेल में वहां देखोगे बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि लास्टिंग इंटरेस्ट इज द की वर्ड है टेक वेरियस फॉर्म सच एज एक्वायरिंग शेयर स्टेबलिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर है ना वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट ये सब चीजें अब हम देखते हैं बच्चे कि इंडिया में जो है ना दो तरीके से आती है ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट अप्रूवल है ना ऑटोमेटिक रूट इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल है ना तुम ये आगे वाली स्लाइड के लिए रेलिवेंट होगा ये वाइल दो अंडर द गवर्नमेंट दूट नेसेसिटेट्स क्लियरेंस फ्रॉम रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज मतलब जो भी उन्होंने प्रोसीजर बनाया होगा सरकार ने उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा नॉ दिस इज द डिवीजन द एंट्री रूट फॉर द वेरियस एक्टिविटीज अंडर द दमेंडेड पॉलिसीज आर एज फॉलोज ये बच्चे आपको एज इट इज याद करना है और इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं इसके ऊपर सवाल आएगा अपटू सेवेंटी फोर परसेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट अगर आप लिख रहे हो कहीं पर तो इसको लिख लीजिए साथ साथ सेटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन इसमें कहीं लॉन्च वगैरह की बात नहीं हो रही है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन जब सैटेलाइट ऑपरेट हो रही है इसके अलावा सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स एंड ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट एंड बियॉन्ड 74 फोर परसेंट दीज एक्टिविटीज आर अंडर गवर्नमेंट रूट ठीक है बच्चे तो ये ध्यान में रखना है आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर ये दिमाग से स्किप स्किप होने वाली चीज़ है चांसेस हैं कि स्किप हो दिमाग रूट लॉन्च एसोसिएटेड सिस्टम्स लॉन्च व्हीकल्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम सब कुछ क्लियर होगा एनीथिंग टू डू विद लॉन्च व्हीकल्स वो कैटेगरी में फॉल करेगा बच्चे

if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.